गुजरात में दूसरे दौर का मतदान संपन्न, 18 को आएंगे नतीजे। सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले। समंदर में भारत का नया सिकंदर, नौसेना में शामिल हुई INS कलवरी। पीएम बोले हिंद महासागर में बढ़ेगा दम। अमरनाथ पर दिया आदेश पर NGT की सफाई, कहा गुफा मंदिर को नहीं किया साइलेंट जोन घोषित, मंत्रोच्चार आरती पर नहीं लगाई रोक। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 40,000 के घूस लेते LDC दबोचा, जल स्वावलंबन योजना के कार्यों को पास करने के बदले ली थी रिश्वत। और जयपुर के बगरू पुलिस ने उपदेश राणा को किया गरफ्तार, ACP ने नहीं दी जमानत तो उदयपुर राजसमंद में धारा 144 लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बिग फाइट गुजरात और हिमाचल में नजर आए। विकास के मुद्दों से शुरू हुआ चुनाव प्रचार, निजी होते होते शब्दों की मर्यादाओं को खोता चला गया। हाल ये हुआ कि अंत तक प्रचार का रूप और स्वरूप दोनों ही बदल गए। विकास कहीं खो गया और जातिगत समीकरणों के साथ साथ धार्मिक उबाल के बीच फिर से उस राज्य में चुनाव प्रचार हुआ जिसको जाना ही विकास के लिए जाता था। बहरहाल गुजरात में वोटिंग खत्म हो चुकी, फैसले ईवीएम मशीनों में कैद हो चुके, लेकिन जैसी परिपाटी हर बार होती है वैसी इस बार भी है। बात एग्जिट पोल की, यानी बात उस रुझान के परिणाम की जो कई एजेंसियां अपने स्तर पर करती हैं और उसके आधार पर परिणामों से पहले परिणाम बताने की कोशिश करती हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस एग्जिट पोल में किस पार्टी का क्या आंकड़ा है। आज बात होगी एग्जिट पोल। एग्जिट पोल आ चुका है, हम एक एक करके आपको एग्जिट पोल का परिणाम दिखाएंगे, साथ ही इस पर बात भी करेंगे। और बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगी बीजेपी नेता शीलदा बाई जी, कांग्रेस नेता राजेश महर्षि जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी। शीलदा बाई जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों के लिए एक सवाल है, उस सवाल का जवाब आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं। सवाल है कि क्या चुनाव परिणाम से पहले आए एग्जिट पोल को आप सही मानते हैं? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारी वेबसाइट पर। आप हमें रिएक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम खत्म होने से पहले, आपकी रिएक्शन को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और अपने साथ मौजूद मेहमानों से जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या वो आपकी राय से इत्तेफाक रखते भी हैं या नहीं रखते हैं। शुरुआत शीलदा बाई जी मैं आपके साथ करना चाहूंगा और पहला सवाल बहुत बेसिक मैम, एग्जिट पोल में बीजेपी का विश्वास होता भी है या नहीं? देखिए, एग्जिट पोल हमेशा आते रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि ये तो नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही फिगर आ जाए, कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझती हूँ बीजेपी के बारे में, चाहे यूपी के चुनाव हों, गोवा के चुनाव हों, मणिपुर के हों या कहीं के भी हों, तो जो एग्जैक्ट पोल बताया उससे ज़्यादा ही सीटें आई हैं। अभी भी गुजरात के चुनाव में जिस तरह से एग्जैक्ट पोल आ रहा है कि वो सारी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस जो अब तक बहुत बड़े प्रचार के रूप में लोग, मैम सिर्फ ये बताइए कि एग्जिट पोल को आप मानते हैं या नहीं मानते? मैंने कहा ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन आगे पीछे थोड़ा बहुत अंतर रहता है। यानी आपके हिसाब से आएगा तो मानेंगे, नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। नहीं, हमारा तो आता रहा है ना, हमारा तो और ज्यादा आया है। तो यानी कि आपको विश्वास है, ठीक है। राजेश जी, आपको विश्वास है एग्जिट पोल पर? देखिए, एग्जिट पोल पे कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि अभी जो गुजरात का माहौल रहा है वो आप लोगों से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि गुजरात में विकास के मुद्दे के ऊपर कतई चुनाव नहीं लड़ा, और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पहले से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करेगी, और जिस प्रकार का माहौल रहा है और उसी प्रकार से अगर वोटिंग हुई है तो मोर देन 100 सीटें गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी लेके आएगी। जी सर, लेकिन अभी तक तो एग्जिट पोल दिखाया ही नहीं गया कि क्या है, तो मान लिया जाए कि एग्जिट पोल पर कांग्रेस को विश्वास नहीं?
इशू ये नहीं है कि एग्जिट पोल पे कांग्रेस को विश्वास है या नहीं है, कांग्रेस को मतदाताओं पे विश्वास है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो अपनी जगह है, भारतीय जनता पार्टी यानी कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में भी है तो भी कांग्रेस उसको देखकर खुश नहीं होगी, ये मान लेते हैं सर। आप यही कह रहे हैं, कहने का प्रयास यही कि एग्जिट पोल करेक्ट आकलन नहीं हो सकता कि वास्तविकता में मतदाता ने कहां वोट दिया है। ठीक है मनीष गोदा जी, ठीक है मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मनीष गोदा जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से हर बार चुनाव के तुरंत बाद एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसी लेकर आती हैं, लमसम लगभग सबका एक सा एग्जिट पोल होता है, कोई तो आधार होता होगा, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरीके के जो एग्जिट पोल चुनाव में मतगणना के तुरंत बाद आते हैं वो सटीक होते हैं? देखिए पूरी तरह सटीक तो नहीं होते हैं, अपन ये नहीं कह सकते पूरी तरह सटीक होते जी, लेकिन एक एक नई तरह की विधा है जो कि पिछले कुछ समय में डेवलप हुई है और निश्चित रूप से एक आइडिया लग जाता है, मतलब अपन ये कह सकते हैं। और पिछले कुछ चुनावों में ठीक भी रहे हैं गलत भी रहे हैं जी, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और चूंकि अब इलेक्शन फेज खत्म होने के बाद आने लगे हैं तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक उस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है जिस हद तक मतदाता पहुंचाना चाहता है चुनाव को जी। तो ये एक मुझे लगता है कि अपन ये नहीं कह सकते कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगा, लेकिन कुछ अंदाजा उधर लग, जैसे पिछली बार जब पिछला जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था उस समय एक एग्जिट पोल ने बिल्कुल श्योर शॉट जीत बताई थी समाजवादी पार्टी की और वो बिल्कुल सही साबित हुई थी। और इसी तरह से अब की बार जो पिछले कुछ एग्जिट पोल्स रहे हैं वो भी कमोबेश ठीक ठाक से रहे हैं, सही सही ठीक है। शीलता भाई जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा ताकि मैं आपको एग्जिट पोल दिखा पाऊं। अगर एग्जिट पोल बीजेपी के समर्थन में होंगे तो क्या ये माना जाए कि वो मोदी की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार की जीत है, उनके विजन की विकास की जीत है? बिल्कुल विजयन जी, जिस तरह से चुनाव की कमाल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाली और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो विकास के मॉडल को बार बार ये कहते रहे कि विकास गांडो थाई गयो छे और उन्होंने पाटीदारों को ओबीसी को पिछड़ा वर्ग जी, ठीक है मैम, अगर अगर एग्जिट पोल बीजेपी के अगेंस्ट आए तो मान लिया जाए फिर प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी, विकास के विजन की हार होगी? नहीं ये सोच भी नहीं सकते ना, जिस तरह मैं जानना चाहता हूं क्योंकि एग्जिट पोल तो प्रेडिक्शन है, अगर ऐसा हुआ नहीं, अगर ऐसा हुआ तो वो हार किसकी होगी? नहीं नहीं देखिए मैंने कहा ऐसा होगा ही नहीं, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं मैम कि अगर अगर हार हुई तो किसकी हुई? अब ऐसा तो है नहीं कि वोटर यहां पर, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे बयानों से वोटर पर कोई फर्क पड़ेगा, वो अपने मत का इस्तेमाल कर चुका है। मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, अगर अगर बीजेपी हार गई या सीटें कम आई तो क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी? नहीं देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मोदी जी की थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि उनका गृह राज्य है, अगर ऐसा होता है 110% ऐसा होना नहीं है, लेकिन फिर ठीक है मैम, मैं तारीफ करता हूँ, दिल से मैं तारीफ करता हूँ, आप इकलौते बीजेपी में शायद ऐसे होंगे जो दिल से इस चीज को मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रॉब्लम होगी अगर सीटें कम आई तो। लेकिन राजेश जी, अगर कांग्रेस दोनों जगह से साफ हो गई, जिसमें से एक सीट एक राज्य आपके पास है, तो ये राहुल गांधी की हार होगी? देखिए राहुल गांधी जी की हार का कोई प्रश्न नहीं उठता है, राहुल गांधी जी हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने, अगर ये हार होगी तो आम कांग्रेस के कार्यकर्ता की हार होगी जिसमें हमारे राहुल गांधी जी भी शामिल है। ठीक है सर, और जीत किसकी होगी? जीत होगी तो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत होगी जिनके लिए हमारे राहुल गांधी जी ने काम किया, राहुल गांधी जी ने जो इस पूरे चुनाव में अपनी जान झोंकी है, तो श्रेय उनको जरूर जाएगा, पर अगर हार या जीत का कोई फायदा है तो वो कार्यकर्ता को ही मिलना चाहिए। ठीक है सर, ये ठीक है, बड़े आदर्श से बयान यहाँ पर आते हैं। गोदा जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस एक ही सवाल का, दोनों सीटों को लेकर या कहीं दोनों राज्यों को लेकर अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में आता है तो क्या विकास के विजन पर एक चोट होगी बड़ी, क्योंकि गुजरात के मॉडल को देश में लाया गया, और अगर कांग्रेस दोनों जगह हार जाती है तो क्या राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े हो जाएंगे नए नए अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद? देखिए जहाँ तक बीजेपी की बात है, मुझे लगता है कि यदि जीत होती है तो कहीं ना कहीं जो दो चीज़ें जो नैरेटिव चलता है जीएसटी को लेकर के नोटबंदी को लेकर के उस पर फिर एक बार कहीं ना कहीं यूपी के बाद फिर एक मोहर लगेगी, क्योंकि खासतौर पर जीएसटी को यहाँ पे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, गुजरात में कहा गया था कि व्यापारी बहुत नाराज है बहुत परेशान है, तो यदि जीएसटी मतलब यदि जीत होती है तो ये माना जाएगा कि हाँ जीएसटी को उसने कहीं ना कहीं स्वीकार किया और वो जीएसटी पर एक मोहर हो जाएगी, जो 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 भी परेशानियां हुई उसको भूलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ तक बात है कांग्रेस की, देखिए राहुल गांधी पहले भी कोई जीत हासिल नहीं कर पाए थे, अभी तक जब उपाध्यक्ष थे पार्टी एक तरह से वही चला रहे हैं अभी भी, एक ठीक है अध्यक्ष बन गए सेरिमोनियल एक उनको मिल गया है लेकिन अभी तक भी पार्टी उन्हीं के उस इशारे पर चल रही थी, तो ये कहना कि वो हार जाएंगे तो, लेकिन एक
जो मतलब जिसको कहना चाहिए कि आप अध्यक्ष बनते ही यदि एक हार आपके हाथ में आती है जी, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिमोरलाइज करती है। ठीक है मनीष जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, शिल्दा भाई जी आपको भी रोकना चाहूंगा। अपने दर्शकों को अब एक एक करके एग्जिट पोल दिखाना शुरू करते हैं और शुरुआत हिमाचल से करेंगे, क्योंकि मुझे भी जानकारी है कि गुजरात तक आते आते माहौल काफी गर्माएगा और सवाल भी उठेंगे। शुरुआत हिमाचल में चाणक्य का एग्जिट पोल है, इसके जरिए 52 से 57 सीटें बीजेपी के खाते में है, कांग्रेस के पास महज 10 से 17 सीटें, अन्य 3 यानी कि 68 सीटों में से लगभग लगभग 80% 85% जो है वो बीजेपी के खाते में है। वहीं इंडिया टुडे एक्सिस का एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें बीजेपी को मिल रहे हैं 47 से 55, लगभग वही जो चाणक्य का है। कांग्रेस को 13 से 20, अन्य 2। कांग्रेस यहां पर भी अपनी सत्ता को बचाती नजर नहीं आ रही, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल में इंडिया टुडे एक्सिस का एग्जिट पोल। आगे बढ़ते हैं, एक और हम आपको पोल दिखाते हैं और वो है हिमाचल प्रदेश में टाइम्स नाउ और वीएमआर का किया गया एग्जिट पोल। इसके अंदर बीजेपी 51, कांग्रेस 17, अन्य 0, यानी 68 में यहां पर भी बीजेपी को बहुमत के आंकड़े को छूने में कोई दिक्कत यहां पर नहीं हो रही। 3 एग्जिट पोल हम आपको अभी तक दिखा चुके हैं और तीनों में बीजेपी को 68 में से 50+ यहां पर सीटें मिलती हुई नजर आई। ये शायद राजेश जी को थोड़ी राहत दे पाए, क्योंकि हिमाचल में रिपब्लिक सी वोटर ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें बीजेपी 68 में से 41, कांग्रेस 25, अन्य 0 या 2। इस दौरान भी बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने की पोजीशन में एग्जिट पोल में नजर आ रही है। वहीं हिमाचल में सहारा समय सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल आया है उसमें बीजेपी 42 से 52, कांग्रेस 18 से 24 और अन्य 1 से 2, ये भी एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। शुरुआत हम हिमाचल प्रदेश के अंदर से कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और जिस तरीके से राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उसके बाद उम्मीद हिमाचल पर आकर काफी टिक जाती है। हिमाचल में टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल कहता है कि बीजेपी 51 सीटों पर जीत दर्ज करेगी, कांग्रेस 16 पर और अन्य 1 या फिर 2, यानी कि लगभग लगभग जो 6 एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनमें अगर 1 या 2 को छोड़ दिया जाए तो 50 सीटों से ज्यादा बीजेपी के खाते में आती हुई यहां पर नजर आ रही है। राजेश जी, इन एग्जिट पोल को क्योंकि आप पहले ही नकार चुके हैं और कह चुके हैं कि एग्जिट पोल पर ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन क्या यह कहा जाए कि एग्जिट पोल में जिन लोगों से इन तमाम एजेंसी ने बातचीत की उनका कांग्रेस पर भरोसा नहीं था? देखिए, ऐसा कहना गलत है कि कांग्रेस पर भरोसा था या नहीं था, उन्हीं लोगों से बातचीत की, रिजल्ट आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा। परंतु फिर भी अगर आप एग्जिट पोल वाली बात को सही मानते हैं तो एक चैनल ने हमारे पक्ष में 25 सीटें बताई है, कई चैनल्स का जो विश्लेषण दिया उसमें 17 सीटों तक आती है। तो मेरा मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी का असर हो सकता है जो आम चुनाव में कहीं कहीं नजर आता है और उसका असर हो सकता है हिमाचल में हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में भी जो है हम लूज कर जाएंगे। अगर यहाँ पे इस तरीके का एग्जिट पोल आ रहा है तो डेफिनेटली कांग्रेस जो है गुजरात में प्लस। सर, गुजरात का एग्जिट पोल भी दिखाऊंगा कि जिन एजेंसियों ने हिमाचल में एग्जिट पोल किया है उन्होंने गुजरात के अंदर जो एग्जिट पोल किया उसके परिणाम क्या कुछ आए हैं। लेकिन जो ये परिणाम आए हैं, आपने जिस तरीके से कहा, मान लिया जाए कि कांग्रेस एग्जिट पोल के बाद हिमाचल में सरेंडर कर चुकी है? नहीं, ऐसा तो कतई नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम जो आपके सामने 3 बैठे हैं, क्योंकि सर आपने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी वहां पर काम कर रही है, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां पर सत्ता विरोधी लहर को आप पहले ही भांप चुके थे। नहीं, भापने वाली बात नहीं थी, ये तो इस इश्यू के ऊपर था जब आपने कहा, बाकी आपके सामने हम 3 आदमी बैठे हैं और 3 ने भी आपके सामने एक ही बात कही कि इसको एग्जैक्ट विश्लेषण नहीं माना जा सकता है कि जो एग्जिट पोल ने बताया है वैसा ही कोई रिजल्ट आने वाला है। परंतु उसके बाद ठीक है सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ गुजरात के अंदर कांग्रेस का विश्लेषण क्या है? गुजरात छोड़िए सर, हिमाचल में विश्लेषण क्या है? हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है। हाँ, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने वहां अच्छा काम किया है। आपके आपके मुताबिक कितनी सीटें आनी चाहिए सर वहां पर 68 में से? 68 में से बहुमत के हिसाब से हमारी सीटें आ जानी चाहिए थी, जिसमें कि 40+ के ऊपर जाने के पश्चात सरकार बनाने की स्थिति में हम रहते हैं। जी, आपको अभी भी लगता है सर कि 40+ वहां पर आएंगे? बिल्कुल, अभी भी ऐसा लगता है कि सीटें आएगी। ठीक है, मनीष गोदा जी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि राजेश जी ने एक तरफ कहा कि एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर वहां पर, और दूसरी तरफ उसके बावजूद वो कहते हैं कि 40 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। मैंने 6 एग्जिट पोल आपको दिखाए हैं, अगर मोटा मोटा सबको अगर एक साथ कंपेयर किया जाए तो बीजेपी को लगभग सबने
50 से ज्यादा सीटें दी हैं 68 में से। सर लगता है कि इसका आंकड़ा 25 तक आ जाएगा, 20 तक आ जाएगा, इतना एग्जिट पोल, हर एग्जिट पोल खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, हिमाचल के मामले में तो नहीं कह सकते कि हिमाचल में शुरुआत से ही जो है एक तरफा सा मामला लग रहा है जी, और बहुत पहले से वहाँ पे स्थितियाँ ऐसी हैं कि ये जो एग्जिट पोल्स हैं लगभग सही साबित होते दिखेंगे जी, क्योंकि वहाँ पे हम शुरू से ही देख रहे हैं वहाँ का जो नैरेटिव चल रहा है, वहाँ का जो पूरा खबरें आ रही थी जिस तरह से वहाँ पे पूरा एंटी कांग्रेस चल रहा था मामला, तो वहाँ पे लगभग क्योंकि देखिए जो चुनाव चल भी रहा था पूरा जो अभी तक हमने 1.5-2 महीने में देखा, हिमाचल की बात कोई कर भी नहीं रहा, ना कांग्रेस की तरफ से हो रही ना बीजेपी की तरफ से हो रही, क्योंकि उसको लगभग एक तरफा सी लड़ाई माना गया। सर वो सप्लीमेंट्री चुनाव लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं इस तरह का एक चीज चल रही है जी। और ये जो मतलब हम ये जो देख रहे हैं, ये जो चुनाव, ये जो एग्जिट पोल देख रहे हैं, ये मुझे लगता है कि कम से कम हिमाचल के मामले में तो लगभग सही साबित हो जाए। ठीक है मनीष जी, तो एक लाइन में जरा ये भी बता दीजिए, ठीकरा किसके सिर पर फूटेगा, राहुल जी के या मुख्यमंत्री के, कांग्रेस के? अब ये तो देखिए कांग्रेस की परंपरा अपनी अपनी है, नेचुरल बात है वहाँ पे, तो नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री वहाँ पर ले लेंगे राहुल गांधी के, राहुल गांधी जी की वजह से, बिल्कुल। और वहाँ पे अध्यक्ष बने तो उनके सिर पर ये ठीकरा नहीं, इसमें एक चीज और भी होगी कि यदि कहीं ना कहीं वो मतलब हिमाचल में जीत भी गए तो बहुत बड़ी माला वो नहीं पहन पाएंगे जीत की, क्योंकि वहां पे मतलब हिमाचल का चुनाव एक छोटे राज्य का चुनाव है जहाँ पे सरकारें बदलती रहती है, चेंज होता रहता है, तो वहां से उनको बहुत बड़ा बूस्ट कोई मिलने वाला नहीं। ठीक है शिल्दा भाई जी, हिमाचल पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, बिल्कुल मिठाइयों के साथ शुरुआत करें, मैम डब्बा लाए हैं, बाद में मिलेगा। नहीं देखिए, जहां तक हिमाचल की बात करें, जिस तरह से वीरभद्र सिंह जी पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे थे, जिस तरह से वहां पर महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हुआ और जिस तरह से जो वहां का डेवलपमेंट रुक गया था उससे स्पष्ट हो गया था, और सबसे बड़ी बात ये राहुल गांधी ने उस हिमाचल का चुनाव को वहां जाना भी मुनासिब नहीं समझा और उनके भरोसे छोड़ दिया, वो एक बार भी शायद मेरे ख्याल से चुनाव के लिए नहीं गए, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही हार मान ली। तो ये जो एग्जैक्ट पोल दिखा रहे हैं, मैं समझती हूँ कि बिल्कुल सही है ये कांग्रेस के, हमारे अगर गुजरात के, अगर गुजरात में यही एग्जिट पोल रिवर्स हुए तब भी आप कहेंगे सही है क्या भाई जी? क्या अगर गुजरात के अंदर, क्योंकि अभी तक गुजरात के एग्जिट पोल मैंने दिखाए नहीं, अगर नहीं, उसके अंदर ये रिवर्स हुआ इन्हीं एजेंसी का, तो कहेंगे कि सही है? नहीं नहीं, देखिए गुजरात का अभी आप देख लीजिए जिस प्रकार, अभी जो लेटेस्ट आज शाम तक जो चुनाव हुए, नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे, किस तरह लोगों का आकर्षण था, एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो रहे थे। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, लेकिन हिमाचल के अंदर जितने भी एग्जिट पोल मैंने आपको बताए उनमें लगभग 68 में से 50 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस अपनी सत्ता को वहां पर गवाती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से मनीष जी ने कहा कि ये एक तरीके से इस बार सप्लीमेंट्री चुनाव था, पूरा फोकस गुजरात पर था, गुजरात में खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, लगभग पूरा कैबिनेट भी मौजूद था, लगभग हर राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे और वहां के मंत्री भी मौजूद थे, यानी कह सकते हैं कि संगठन और सरकार के तौर पर जहां जहां बीजेपी थी वो पूरी बीजेपी को गुजरात के अंदर नजर आई थी और कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश वहां पर पूरी ताकत झोंक दी गई थी। तो क्या गुजरात का परिणाम बहुत कुछ बदल देगा? गुजरात के भी एग्जिट पोल मेरे पास हैं, एक एक करके वो भी मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द। जनाधार से एग्जिट पोल को नहीं समझा जा सकता क्योंकि जनाधार आज हम शाम को टेलीविजन वगैरह पे देखते हैं तो अपना भी मन परिवर्तन होता है कि जो पार्टी विशेष की तरफ से किया जा रहा है वो एक तरह से गलत है। इसी तौर पर एग्जिट पोल जो दिखाया जाता है टेलीविजन पर उससे सत्ता पक्ष को फायदा मिलता है। अगर हम चुनाव से पहले अगर एग्जिट पोल बताते हैं तो उससे जो रूलिंग पार्टी है उसको बेनिफिट मिलता है, इसीलिए एग्जिट पोल चुनाव से पहले कभी नहीं दिखाना चाहिए।